झारखंड सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर अंकुश लगाने का खाका तैयार कर लिया है। बता दें कि विधि विभाग ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत राज्यों में चलने वाली हजारों निजी स्कूलों पर मनमानी फीस वसूली और किताबों में मनमानी पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, इसको न मानने वाले स्कूल पर 2.5 लाख तक का जुर्माना तय कर चेतावनी दी है। दरअसल आए दिन निजी स्कूलों के द्वारा बढ़ते आर्थिक बोझ से अभिभावक काफी परेशान थे, लेकिन अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए अपनी कमाई का करीब आधा हिस्सा बच्चों के लिए खर्च करते थे, जिसको देखते हुए झारखंड सरकार ने एक गजट तैयार किया, जिसमें विधि विभाग ने साफ कर दिया है कि राज्य के निजी स्कूल अपने मनमानी तरीके से ना फीस बढ़ाएंगे और ना ही अभिभावकों को किताब और छात्रों के पोशाक के लिए बाध्य कर सकेंगे, जिसके बाद से अभिभावक काफी खुश है। अभिभावकों का कहना है कि सरकार की गाइडलाइन के बाद अब स्कूलों की मनमानी रुकेगी। जो अंकुश लगाने से अभिभावक को फायदा ही है, कहे कि जितना प्राइवेट स्कूल है, हमारा दो ठो पोती लोयला में है, एक पोता यहाँ है, एक पोती तारापुर में है। अब ये स्कूल का जो मनमाना रहेगा तो उससे तो अभिभावक को मतलब नुकसान ही है, उतना जुटा भी नहीं पाएगा। हर साल अगर इस तरह का बढ़ोतरी करते रहेगा, इस पर में अगर सरकार एक्शन लेता है, फैसले से बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि अभी हर चीज़ का मनमानी चल रहा है। ड्रेस भी है एक ही दुकान से लीजिए, किताबें जो है स्कूल ही देती है, और बहुत सब बीच में ऐसा भी खर्चे आते हैं जो कि अभिभावक जो है ना उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, समझे। तो इसलिए जो अभी जो सरकार जो फैसला ले रही है, मैं सोचता हूँ बहुत ही अच्छा ले रही है, ऐसा होना चाहिए। बता दें कि जमशेदपुर में स्कूलों की इस मनमानी को पिछले साल जिला बीजेपी कमेटी ने विरोध किया था और एक आंदोलन स्वरूप पत्राचार किया था, जिसका नतीजा 2 अक्टूबर को राज्यपाल ने इस जनमुद्दा के पात्रों पर मुहर लगाकर आगे बढ़ाया, और अब सरकार के विधि विभाग ने इसे प्राथमिकता देते हुए एक अधिसूचना जारी की, जिसे बीजेपी जमशेदपुर जिला कमेटी खुश है। महानगर के मीडिया प्रभारी अंकित आनंद के माध्यम से जमशेदपुर में लगातार शिक्षा सत्याग्रह आंदोलन निजी विद्यालय के खिलाफ चलाए जा रहे थे। उक्त आंदोलन को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर ने भी अपनी जिला कार्य समिति में उक्त प्रस्ताव को हम सभी लोगों ने लाने का काम किया था। शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम झारखंड और शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के सहयोग से उक्त अधिनियम को राज्य सरकार ने पारित करने का काम किया है। राज्य सरकार ने इन सबों को ध्यान में रखा है कि अभिभावक जो प्रत्येक वर्ष निजी विद्यालय में एडमिशन का शुल्क देना, फीस में बढ़ोतरी होना, विद्यालय की दबिश के कारण विद्यालय से ही या उनके परिचित लोगों से ही जूता खरीदना, मोजा खरीदना, विद्यालय कॉपी किताब खरीदना, यूनिफॉर्म खरीदना, ऐसे सभी विषयों पर हम सभी लोगों की चिंता निरंतर थी। इसको लेकर हम सभी लोगों ने जो बातें उठाई थी उसको राज्य सरकार ने भी स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में झारखंड सरकार के द्वारा गजट लागू करने की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा कदम हुआ है और झारखंड सरकार ने गजट में शामिल करते हुए इसको लागू भी किया। दूसरी ओर इस सरकारी फरमान से निजी स्कूल प्रशासन के आगे संकट खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जो बहुत साल पहले निकला हुआ था, 15% तक ट्यूशन फी का 15% तक हम फी बढ़ा सकते थे, तो जमशेदपुर के सब स्कूल्स में हार्डली 12 या 12.5% स्कूल की फीस बढ़ती है हर साल, और ये इसलिए बढ़ती है ताकि टीचर्स का पेमेंट हम सही ढंग से कर सके, सुविधा अनुसार हम बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ा सके। तो बाकी अगर हर क्षेत्र में लोगों को अपना इंक्रीमेंट और ये सब चाहिए तो टीचर्स के लिए भी तो हमको अरेंजमेंट करनी होगी, और इसीलिए फ़ी बढ़ती है और 75% ऑफ द फ़ी कलेक्शन टीचर्स के सैलरी में जाता है, और बाकी जो 25% बचता है वो हमारा स्कूल रनिंग जो भी बाकी रिक्वायरमेंट्स है उसमें जाता है। अगर वैसे स्थिति में पहली बात है कि तो टीचर्स की सैलरी के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ेगा, बच्चों की जो हम सुविधा यहाँ उनको दे रहे हैं
जैसे ऑडियो विजुअल क्लासेस है, कंप्यूटर है, बिजली है, पानी है, सबके ऊपर तो असर होगा ही क्योंकि सबका बिल तो हमको भरना पड़ता है। अधिसूचना से जहां अभिभावक बेहद खुश हैं तो वहीं निजी स्कूल प्रशासन के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। सालों से स्कूल के शोषण से शोषित अभिभावकों के आर्थिक दर्द पर सरकारी मलहम का असर कितना होता है ये तो वक्त ही बताएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए जमशेदपुर से इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट।